हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल सूजी और मावे से बनी गुजिया। होली के अवसर पे अक्सर ये सब गुजिया बनाते ही हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और खस्ता और क्रिस्पी मावे और सूजी से बनी यम्मी गुजिया। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को मेरी तरफ से बहुत बहुत होली की बधाइयाँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक मिक्सिंग बाउल। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप मैदा। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 स्पून ऑयल, आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये 1/2 टीस्पून नमक। अब इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी फूड कलर। अब होली है तो कुछ रंग बिरंगी तो बनाना बनता ही है। तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर दिया है। अब इसे हम मिक्स करेंगे। इसका अच्छे से हम मोइन करेंगे। देखिए इस तरह से ये बाइंडिंग होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हम एक डो तैयार करेंगे। अब देख सकते हैं इसे ऑरेंज कलर इसमें आ रहा है। अब इसका एक हम सख्त डो तैयार करेंगे। ये देखिए ऑरेंज कलर मैंने बना लिया है। अब हम दूसरा कलर भी एक बनाएंगे। इसमें मैंने उसी प्रोसेस से ऑयल डाला है, थोड़ा सा नमक, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ येलो कलर यानी कि पीला कलर। कुछ रंग बिरंगी बनाए तो कुछ बच्चे उसे और ही अट्रैक्टिव होकर खाते हैं। ये देखिए हमारा येलो कलर भी तैयार हो गया है। अब इसे हम सेट होने के लिए रख दिए। तब चलिए अब स्टफिंग बना लेते हैं गुजिया की। तो यहाँ पर मैंने सूजी ले लिया था 1 कटोरी, उसे हम अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे और इसमें और भी अच्छा फ्लेवर लाने के लिए इसमें हम 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे, जिससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। अब इसे हम लगातार भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए सूजी जो है हमारी भुनकर तैयार है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे ये नारियल का बुरादा, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब इसे भी थोड़ा सा हम भून लेंगे 2-1 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने लिया है 1 बाउल में खोया और 1 कप चीनी और ये काजू और बादाम। यहाँ पर मैंने 1 प्लेट में सूजी निकाल लिया, ये ठंडा हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे ये मैंने खोया लिया था जो 1 बाउल में, वो ये 200 ग्राम खोया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम ड्राई फ्रूट, ये कटे हुए बादाम और ये काजू, आपका जो मनपसंद ड्राई फ्रूट हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं स्वाद अनुसार इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप चीनी। अब इसे हम सारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो सूजी को भी स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है इलायची पाउडर, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और जो थोड़ा थोड़ा जो है दानेदार जो खोया है उसे हम थोड़ा थोड़ा मैश कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा डो भी बनकर तैयार है, सेट हो चुका है। चलिए हम अब गुजिया बना लेते हैं। तब हम डो में से अब 1-1 लोइयाँ कट कर लेंगे। इस तरह से हम इसके एक पेड़े बना लेंगे। आप इस तरह से कलरफुल बनाएंगे तो बहुत ही दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और आपके घर में मेहमान आए आप इसे भी इसे बनाकर दे सकते हैं कुछ अलग नए अंदाज में। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ऐसे हम बेल लेंगे
एक मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर बेलकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम येलो कलर को भी इसी प्रोसेस से बेल लेते हैं। यहाँ पर उसे भी मैंने बेल लिया। अब येलो कलर के ऊपर हम ऐड कर देंगे ये ऑरेंज कलर। अब इसे हम अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब हम इसे इसी तरह से थोड़ा थोड़ा इसे रोल करते हुए चले जाएंगे, जिस तरह से पिनव्हील बनाते हैं उसी तरह से। अब इसे हम रोल करने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कट कर लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया। इस तरह से आप गुजिया बनाएंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा और काफ़ी खूबसूरत। तो यहाँ में इसे मैं प्रेस कर दिया है मैंने। इसी तरह सारे हम लोइयों को प्रेस कर देंगे, बहुत ही कलरफुल गुजिया बनेगी। ये सारे मैंने पेड़ तैयार कर लिए हैं। अब चलिए हम गुजिया बना लेते हैं। इस तरह से हम गुजिया बेल लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग आप थोड़ा भर के ही डालेगा, स्टफिंग ज़्यादा डालने से जो है बहुत ही बढ़िया खाने में टेस्टी लगती है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम साइड में पानी लगा लेंगे। आप चाहे तो इसे सांचे में भी बना सकते हैं और नॉर्मली हाथ से भी बना सकते हैं। आपके पास जो घर में अवेलेबल हो आप उससे गुजिया बना सकते हैं। इस तरह से हम इसे प्रेस कर देंगे साइड साइड से। अब इसे हम फोक की सहायता से इस तरह से प्रेस कर देंगे। आप चाहे तो फोक भी यूज़ कर सकते हैं, चाकू भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने सारी गुजिया बनकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना कलरफुल होली के रंग में रंगने वाली ये गुजिया बनी है। चलिए हम यहाँ पर इसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले लिया है, इसे मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम चेक कर लेंगे इस तरह से थोड़ा सा आटा डाल के। चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक गुजिया करके मैं इसमें ऐड कर दूँगी। फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है। अब इसे हम पलट लेंगे। उलट पलट कर हम इसे अच्छे से क्रिस्प कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे दो गुजिया बनकर तैयार हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से मैं सारे गुजिया को फ्राई कर लूँगी। हमारे टेस्टी और काफ़ी क्रिस्पी होली के रंग बिरंगी गुजिया बनकर तैयार हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। आप लोग को अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैप्पी होली।